हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के बारे में। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इन घटनाओं में एक घटना 22 दिसंबर 1964 को घटी थी, जब भारत के रामेश्वरम द्वीप के किनारे धनुषकोडी में भीषण चक्रवात आया। इस चक्रवात में ट्रेन नंबर 653 बह गई, जिससे 115 लोगों की मौत हो गई। आइए उस घटना को विस्तार से जानते हैं। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। उस समय इस जगह की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब कुदरत के कहर से यह खूबसूरत जगह वीरान हो गई, उस समय पंबन और धनुषकोडी के बीच एक रेल लाइन थी जो चक्रवात की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस चक्रवात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 17 दिसंबर 1964 को अंडमान समुद्र में एक दबाव बना जो 19 दिसंबर को चक्रवात का रूप ले लिया। इसके बाद 21 दिसंबर को इस चक्रवात की गति 250 से 350 मील प्रति घंटे की हो गई, जो एक सीध में पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। 22 और 23 दिसंबर की आधी रात को यह धनुषकोडी से टकराया। उस समय समुद्र में लहरें तकरीबन 24 फुट ऊंची थी। उस रात 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पंबन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उस समय किसी को खबर नहीं थी कि 22 दिसंबर की रात उनकी आखिरी रात है। जब पंबन से ट्रेन 115 लोगों को लेकर आगे बढ़ी, तो रास्ते में ही चक्रवात ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब ट्रेन धनुषकोडी से 200 या 300 यार्ड पीछे थी, उस समय ट्रेन ड्राइवर ने चक्रवात से ट्रेन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसमें असफल रहा। तभी समुद्र की लहरें ट्रेन से टकराई और ट्रेन को दूर बहा ले गई। ऐसा माना जाता है कि उस समय चक्रवात की गति 250 से 350 मील प्रति घंटे थी। इस चक्रवात की चपेट में आने से ट्रेन में मौजूद सभी 115 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस चक्रवात से 18 लोगों की मौत हुई थी। इस चक्रवात में धनुषकोडी का पूरा गांव बह गया। इस गांव में रहने वाले सारे आदमी मारे गए। रेलवे के रिकॉर्ड की माने तो इस ट्रेन में लगभग 115 यात्री सफ़र कर रहे थे, पर इसमें इससे भी ज़्यादा यात्री हो सकते हैं। बिना टिकट वाले यात्री भी सफ़र कर रहे होंगे, उनकी जानकारी रेलवे के पास नहीं है। तो 115 तो कम ही आंकड़ा है, बट इससे भी ज़्यादा लोगों की जान गई है इस ट्रेन हादसे में। ये रेल हादसा होने के बाद ये ली गई तस्वीरें हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइंस का क्या बुरा हाल हुआ है। पूरी ट्रेन बह गई इस हादसे में। ये देखिए ट्रेन किस तरह पानी में बह गया है। ये लाइन पूरा तबाह हो गया, ये चित्र में आप देख सकते हैं। ये तूफान पूरा पंबन ब्रिज को बहा ले गया, पूरा गांव तबाह हो गया। इस गांव में रहने वाले सारे इंसान मारे गए। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी के गांव को भूतों का गांव घोषित कर दिया है, जो कि रहने के लिए लायक नहीं है। यहाँ पर रात में कोई नहीं रह सकता है। ये हादसे से टोटल नुकसान लगभग 150 मिलियन यूएस डॉलर का बताया जा रहा है। ये रेल हादसा रेलवे का सबसे दर्दनाक रेल हादसा था, जिसमें एक भी यात्री नहीं बचा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।